अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है जिंगर रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा रोल कितना अच्छा और उसका जो अंदर का चिकन है वो कितना क्रिस्पी बन चुका है। तो ये बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था आधा किलो चिकन। ये चिकन बोनलेस चिकन है, इसको मैंने फिंगर शेप में कट कर लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने सोया सॉस डाला था, 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर मतलब लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और फिर उसके बाद देख सकते हैं हमारा चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब मैं इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। कम से कम हमें इसे 1.5 से 1 घंटे तक छोड़ देना है। चिकन मैरिनेट करने के बाद अब मैं गूंथूंगी हमारा पराठे का आटा, जिसके लिए मैंने लिया है 2 वाटी गेहूँ का आटा और 1 वाटी मैदा। उसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल, आप घी भी डाल सकते हो। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक भी डालना है, नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा शक्कर डाला है ताकि हमारे पराठे में अच्छा एक थोड़ा सा मिठास बन आ जाए। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मैं इसका पानी डाल के आटा गूंथूँगी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मुट्ठी बंद होने तक अच्छे से हमें मोइन करने के लिए गूंद लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको आटा गूंदने के बाद, एकदम ज़्यादा पानी डालकर भी आपको आटा नहीं गूंदना है। आटा ना ही एकदम सॉफ्ट होना चाहिए ना ही एकदम हार्ड होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो ये वाटी के हिसाब से मैंने 2 वाटी गेहूं का आटा लिया है, 1 वाटी मैदा लिया है। थोड़ा पानी डाल के हमें अच्छे से गूंद लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आटा रेडी हो चुका है जो हम पराठे बनाएंगे उसका। अब हम जो चिकन की कोटिंग करेंगे उसमें लिया है 1 बाउल और उसमें मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान कर लेना है और उसी मैदे में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से छान कर लेंगे। Thank you.
चीज़ों को अच्छे से छान लेने के बाद मैं इसको एक अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं एक बड़ा चम्मच ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। 2 कप मैदे में आपको एक से डेढ़ बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक थोड़ा सा को लाइट ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है बिकॉज हमारे चिकन में भी नमक होगा। उसके बाद मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें डालूँगी काली मिरी पाउडर और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विक्स की मदद से। ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब मेन जो है हम चिकन की कोटिंग करेंगे। तो चिकन को हम एक एक पीस करके लेंगे, उसका जो मैदे का हमने कोटिंग बनाया था उसमें डालेंगे। उसके बाद निकाल के हम इसको नॉर्मल पानी में डालेंगे। पानी में कम से कम 10 से 15 सेकेंड रखने के बाद उसको हम फिर से निकाल के जो मैदे की कोटिंग है हमारी उसमें डबल कोट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी में डाल दिया, उसके बाद निकाल के मैं इसको फिर से और मैदे में डाल के डबल कोट करूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप फिर से एक बार ये और क्रिस्पी होने के लिए ये फिर से पानी में डाल के फिर से कोटिंग ले सकते हो, बट इतना कोटिंग काफ़ी था। ये तो एकदम कड़क हो जाता है, चिकन अंदर से नरम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन को अच्छे से दबा के इस पर से लेयर लेयर आ रही थी। तो जैसे हमारा जिंगर है वो अच्छे से बन जाएगा चिकन जिंगर। तो यहाँ पर ऐसे ही करके हमने सारे चिकन को कोटिंग करके एक प्लेट में साइड में रख दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सारे चिकन को मैंने कोटिंग करके रखा है। अब मैं इसको फ्राई करके लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पे तेल को गरम होने दिया, उसके बाद मैं फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करके मैंने इसमें चिकन ऐड किया एक एक करके। तो इसे हम अच्छे से अलट पलट करके कम से कम 8 से 9 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारी कोटिंग भी अच्छे से पके और जो अंदर का चिकन है वो भी अच्छे से पकना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कोटिंग एकदम कड़क हो जाती है तो हमको लगता है कि वो रेडी हो चुका है, बट वो नहीं होता और हमारा अंदर का जो चिकन है वो कच्चा रह जाता है। इसलिए हम लोग को कम से कम 9 से 10 मिनट्स तक इसको अच्छे से फ्राई करके लेना है। से 3 मिनट होने के बाद जब नीचे कड़क होगा तो हम इसको टर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आप देख रहे हो चिकन अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर में आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा क्रिस्पी चिकन एकदम तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पराठा बनाएंगे। तो
सकती हूँ। अब मैं जो आटा मैंने ये करके रखा था उसको मैंने गोले करके, मेरे 9 पराठे बने थे उसमें, तो इसको ऐसे रोटी बना कर ले लिया। फिर उसमें मैं ऐड करूँगी असली घी, असली घी ऐड करने मतलब लगाऊँगी, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल के उसको मैं अच्छे से फोल्ड करके पराठा बनाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ, और फिर वैसे जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं वैसे ही करके इसको हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे पूरे मैंने पराठा बना के साइड में रख दिया था, बाद में मैंने गरम गरम सेक के सर्व किया था। तो यहाँ पर ऐसे पराठे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे सारे पराठे रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ पे पराठे की अच्छी लेयर आई थी, फिर इसको हम करेंगे लेयरिंग। तो यहाँ पे मैंने एक चटनी बनाई थी, ग्रीन चटनी, जो थोड़ी स्पाइसी भी थी। तो एक टमाटो, 2 हरी मिर्ची, 4 से 5 लहसुन और एक हाथ मुट्ठी भर के कोतमी डाल के मैंने एक चटनी बनाई थी। तो ये चटनी भी बहुत अच्छी थी, एकदम घट। फिर ये मैंने ऐड किया, उस पर मैंने गोभी का जो ऊपर का पत्ता रहता है आप वो भी ले सकते हो, आप लेटस भी ले सकते हो। तो मुझे लेटस अवेलेबल नहीं था तो मैंने गोभी का रखा। फिर उसके ऊपर मैंने चिकन को रखा, बाकी सब जो भी लेयरिंग किया। तो आप अगर आपको ऐसा अखा पत्ता नहीं पसंद है तो बारीक चॉप करके भी आप उसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वो गोभी का उसको अच्छे से धो के मैंने इसके ऊपर रखा। अब हमारा जो चिकन है वो रखेंगे हम इसमें 2 से 3 पीस, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रखो। देख सकते हो अब मेरा जिंगर रख दिया। फिर उसके ऊपर मैं थोड़े से काकड़ी, थोड़े से कांदा वो सब डालूँगी। फिर उसमें मैं ऐड करूँगी हमारा कैचअप और मेयोनीस। तो आप कैचअप और मेयोनीस मिक्स करके भी डाल सकते हो, या फिर आपके पास अगर तहीनी मौजूद है तो वो भी डाल सकते हो। तो ये सब अंदर का जो चटनी का जो भी प्रोसेस होता है वो आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। आप थोड़ा स्पाइसी के लिए सेजवान चटनी भी डाल सकते हो अगर आपको स्पाइसी पसंद है। तो रोल बनाना इतना मुश्किल नहीं है, अंदर की जो स्टफिंग है उसका आप कुछ भी मतलब जो सॉस आपको जो पसंद है, सॉस पेरी पेरी सॉस जो भी सॉस चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने मेयोनीज़ भी डाला, उसके बाद मैंने इसको रोल कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो जिंगर रोल है वो रेडी हो चुका है। तो इसको हम अच्छे से रोल करके लेंगे, और अगर आपको ऐसा टिश्यू में मतलब रोल करना है तो यहाँ पे मैं तुरंत खा रही थी तो इसलिए उसको ज़्यादा ये नहीं किया, ऐसे रोल को मैंने कट करके दिखाया। तो अगर आपको ये रोल की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा पसंद है तो कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बनाकर। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, होप यू लाइक द वीडियो। Thank you.